जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि एक मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, एक महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनका उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहां खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और ख़ास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले।